गुलजार की वो कलाई नजीर के मजबूत हाथ में दबी हुई थी, जिसने उसने गले में लटके ताबीज को अपने मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया था। नजीर ने उसे वैसा करने नहीं दिया था। कोशिश तो अब भी कर रहा था, परंतु कामयाब नहीं हो पा रहा था। नजीर ने उसकी वही कलाई मरोड़ी, और ऐसी मरोड़ी कि हलक से निकली चीख के साथ हो उसकी पीठ से जा सटी। ये चीखना नहीं चाहिए नजीर, एलिस ने उनकी तरफ झपटते हुए दूसरा निर्देश दिया। इसकी चीख अगर इस घर से बाहर निकल गई और किसी पड़ोसी ने सुन ली तो ये बात इसके गिरोह तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि यह हमारे चंगुल में फंस गया है, और अगर ऐसा हो गया तो इसका हमारी गिरफ्त में आना बेकार हो जाएगा। उसकी बात पूरी होने से बहुत पहले ही नजीर का दूसरा हाथ कुकर का ढक्कन बनकर गुलजार के मुंह पर चिपक चुका था। चीखने के प्रयास में अब वो गू गू करता और पीड़ा से छटपटाता नजीर के बंधनों से निकलने का असफल प्रयास कर रहा था। एलिस ने नजदीक पहुंचकर उसके गले से वो काला धागा नोच लिया जिसमें ताबीज पड़ा हुआ था। बोला, यही खूबी है इन कुत्तों की, ये कि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, पहचान नहीं बच जाएंगे, तब तक इनोसेंट बने गिड़गिड़ाते रहेंगे। ये कहते रहेंगे कि हमारा भला इनकलाब से क्या संबंध है, लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आएगी कि ये पकड़ लिए गए हैं, मुकरने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। उसे जकड़े नजीर ने गुर्राते हुए स्वर में पूछा, और अगर सुसाइड करने में भी नाकाम हो जाए तो क्या करते हैं ये? चाहे जो कर लिया जाए, चाहे जितना टॉर्चर कर लिया जाए, मगर जुबान नहीं खोलते, संगठन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताते। अब तो खैर बलबीरा नहीं है, लेकिन जब तक था वो भी पनाह मांग गया था। इन हरामजादों की इसी खूबी के कारण तो जिसे पकड़ा जाता है बात उससे आगे नहीं बढ़ पाती। यही तो वजह कि आज 15 साल गुजर जाने के बावजूद हमें इनके हेडक्वार्टर का पता नहीं लगा। हेडक्वार्टर का पता तो हमें लग ही चुका है, नजीर ने दहकते से लहजे में कहा था। उसमें दाखिल होने के लिए जिन बातों का पता होना चाहिए वे सब ये बताएगा। कुछ भी कर लो नजीर, मुझे पता है कि ये कुछ नहीं बताएगा। ये बताएगा अब्बा जान, ये टेप रिकॉर्डर की तरह बताएगा। आप बस यहां आकर इसकी एक कलाई और मुंह दबोच लीजिए। एलिस समझ नहीं सका कि नजीर क्या करने वाला है। ताबीज अपनी जेब में रखा उसने और वो कर दिया जो नजीर चाहता था। अब नजीर एलिस के बंधनों में जकड़े गुलजार के सामने पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, नाम बोल। गुलजार इनकार में गर्दन हिलाता हुआ मचला, नहीं बताएगा? कहने के साथ माहौल के बिल्कुल विपरीत नजीर मोहक अंदाज में मुस्कुराया था। उसने फूना पहले जैसी प्रतिक्रिया दी, आंखों में देख मेरी, आंखों में देख। कहने के साथ वो गुलजार का गिरेबान पकड़कर उसके चेहरे पर झुका। गुलजार फटी फटी आंखों से उसी की आंखों में देख रहा था, और जैसे यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी उसने। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विद अरुण चैनल, और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं एक बार फिर से सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरीपूर्ण क्राइम थ्रिलर उपन्यास काला अंग्रेज की कहानी बागी फिरंगी, इसी नॉवेल की 10वीं एपिसोड के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप लोग सुनेंगे इस नॉवेल का 10वां एपिसोड। अगर इससे पहले आप लोग इस नॉवेल के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास की प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज का ये एपिसोड शुरू करूँ, पिछले एपिसोड में जो सवाल पूछा गया था
उस सवाल के जवाब में जो भी फ्रेंड्स कमेंट किए हुए हैं तो मैं वो कमेंट्स आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। जयंत 30 जी लिखते हैं, मुझे कैट फाइट वाले उपन्यास की स्टोरी चाहिए, जैसे रीना भारती और मीना जो सबके उपन्यास। इसके अलावा वह भी ऐसी महिला एक और उपन्यास है, जैसे एक कोई मोना चौधरी करके उसकी हमशक्ल से लड़ाई होती है। तो मैं ना कहना चाहूँगा कि जयंत जी, अगर आप उपन्यास का नाम भी बताएंगे तो मुझे उसे ढूंढने में और उसे पेश करने में आसानी होगी। कृपया आप उस नॉवेल का नाम भी ज़रूर कमेंट करें। रॉकी विवेक जी लिखते हैं, VPS नॉवेल काला अंग्रेज जी, बिल्कुल आपका जवाब सही है। वैसे ही कमेंट आगे आता है, गिरी सर जो मेरे बिग ब्रदर हैं, वेटिंग नेक्स्ट एपिसोड अभी पोस्ट हो रहा है। और ममता रावत जी जो मेरी प्यारी मौसी जी है, वो लिखती है, उपन्यास काला अंग्रेज राइटर वेद प्रकाश शर्मा जी, बेशक तुमने ये बाद में डाउनलोड किया पर उपन्यास सुनने में अच्छा लग रहा है, उपन्यास बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच ममता रावत मेरी प्यारी मौसी जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि उपन्यास का दूसरा पार्ट जिसका नाम था फिरंगी, आज से कई महीने पहले ही मैंने उस नॉवेल को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था और उसी नॉवेल का पहला पार्ट ये नॉवेल है जो अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगला कमेंट विजयलाल साइनी जी का जो लिखते हैं, उपन्यास का नाम काला अंग्रेज है और लेखक का नाम वेद प्रकाश शर्मा। आप ये बताइए मेरा जवाब सही है या नहीं। उपन्यास का ये एपिसोड बहुत ही बेहतरीन था, बढ़िया, अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। विजयलाल साइनी सर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आशा करूंगा कि आप लोग अगले एपिसोड में भी ऐसे ही कमेंट करेंगे। ऐसे ही अगला कमेंट बलजीत सिंह जी का जो लिखते हैं, लाजवाब पेशकश। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और ममता रावत जी का भी कमेंट रेगुलर रूप से आता है, विजय लाल साइनी सर का भी कमेंट रेगुलर रूप से आता है। वैसे ही हमारे विकास सकलानी सर जी हैं, उनका कमेंट भी रेगुलर रूप से आता है। आप तमाम कमेंट करने वाले दोस्तों को दिल से धन्यवाद और आशा करूंगा कि आज के एपिसोड में भी आप लोगों का कमेंट जरूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। जाने कौन था वो, ये भी पता नहीं लग रहा था कि स्त्री था या पुरुष, क्योंकि अपने चेहरे को उसने एक काले नकाब से ढक रखा था। वो चारों तरफ दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनी एक पगडंडी पर बहुत तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। चाल बता रही थी कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी है। नकाब के अलावा बाकी शरीर पर उसने पतलून, कपड़े के जूते, शर्ट और शर्ट के ऊपर एक कोट पहन रखा था। पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे सूर्य बस डूबने ही वाला था। चेहरा पीला पड़ चुका था उसका, क्योंकि उसकी अंतिम रश्मियां पहाड़ों की चोटियों पर दम जो तोड़ रही थी। पाथिक शायद सूर्य से ही शर्त लगाए हुए था। उसकी पूरी तरह डूबने से पहले ही किसी खास स्थान पर पहुंच जाना चाहता था। और फिर वो वाकई सूर्य के डूबने से पहले एक बहुत ही विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गया। यहां पहुंचकर ऐसी सांस ली जो बता रही थी कि सूर्य डूबने से पहले यही उसकी मंजिल थी। कुछ देर तक पेड़ के नीचे खड़ा लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी अव्यवस्थित हो गई श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा, और जब उसमें भी कामयाब हो गया तो बंदर की मानिंद जबरदस्त फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ता चला गया। एक बहुत ही मोटे तने पर जाकर रुका और फिर वहीं बैठ गया। अब वो नकाब से झांकती अपनी आंखों के ठीक सामने मौजूद करीब 1000 फुट ऊंचे हरे भरे पर्वत को देख रहा था। वो पर्वत वहां मौजूद अन्य पर्वतों से कई मायने में अलग था। पहली बात, आसपास के सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा था वो। दूसरी बात,
चटक हरे रंग की घास उस पर इतनी ज्यादा घनी थी कि पूरे पर्वत पर हरे रंग का कालीन सा बिछा प्रतीत होता था। अन्य पर्वतों के मुकाबले उस पर पेड़ भी ज्यादा संख्या में थे। तीसरी और सबसे खास बात, हर दिशा से वो एकदम खड़ा था, ठीक वैसा जैसे बच्चे रेत में घरौंदे बना देते हैं, यानी किसी भी तरफ से उस पर चढ़कर चोटी पर पहुंचना एक ऐसा काम था जिसे बिरले ही अंजाम दे सकते थे। चौथी बात, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चोटी को चारों तरफ से घेरे चार विशाल वृक्ष खड़े थे, जैसे चार तरफ से चोटी की रक्षा कर रहे हो। पेड़ पर बैठे नकाबपोश को मालूम था कि उस पहाड़ से पहाड़ के चारों तरफ अनेक निगाहें कड़ी नजर रखते हुए होती है। उन नजरों से छुपकर पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है। अब नकाबपोश को सूर्य के डूबने का इंतजार था और फिर अचानक ही उस वक्त वातावरण में अंधेरा छा गया जब सूरज ने दूर वाली पहाड़ी के पीछे मुखड़ा छुपाया। उस पहाड़ी के पीछे से झांक रही रोशनी बस कुछ ही देर तक वातावरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रही थी। 10 मिनट बाद हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब वो पहाड़ जो पेड़ पर बैठे नकाबपोश की निगाहों के केंद्र में था, हरा भरा नहीं बल्कि अंधेरे के बीच खड़े बहुत ही बड़े दैत्य सा प्रतीत हो रहा था। उसकी निगाहें मुकम्मल ढलान पर फिसल रही थी। हालांकि कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर वो जानता था कि उसी की तरह इस वक्त यहां अनेक लोग भी मौजूद हैं और पहाड़ के ऊपर से भी उसके चारों तरफ सख्त निगाह रखी जा रही है। करीब 15 मिनट और उसने यूं ही पेड़ पर बैठे बैठे गुजारे। उसके बाद जितनी तेजी के साथ पेड़ पर चढ़ा था उतनी ही फुर्ती के साथ नीचे उतरा और लपकता सा पहाड़ की तरफ बढ़ गया। अब अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चारों तरफ हाथ को हाथ सुझाई न देने वाला अंधेरा छा चुका था। उस अंधेरे को बस कभी कभी जुगनुओं की चमक बेंध देती थी, झिंगरों के बोलने की आवाजें वातावरण को अजीब सा डरावना बनाए दे रही थी, परंतु नकाबपोश को जैसे उस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो इस तरह तेजी के साथ हरे भरे पहाड़ पर चढ़ता चला जा रहा था जैसे प्लेन में चल रहा हो। इस काम में इस वक्त उसके कपड़े के जूते बड़े सहायक थे। पहाड़ का अभी वो चौथाई हिस्सा ही चढ़ पाया था कि अपनी दाहिनी तरफ आहट महसूस की, ऐसी आहट जैसे कोई और भी उसकी तरह पहाड़ पर चढ़ रहा हो। नकाबपोश ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जरूर, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अंधेरा ही इतना था कि नजर आना भी नहीं था। बावजूद इसके उसके मुंह से आवाज निकली, ओ कहाँ है? अंधेरे ने जवाब दिया, जहां होना चाहिए। बस उसके बाद उनके बीच कोई बात नहीं हुई। थोड़ा ही ऊपर और चढ़ा था कि बाई तरफ से भी किसी के चढ़ने की आवाज आई। उसने भी शायद उसकी आहट पा ली थी, किंतु बोला कोई कुछ नहीं। तीनों अपने काम में मशगूल रहे और काम एक ही था, पहाड़ पर चढ़ते रहना। चढ़ाई पर अन्य नकाबपोश मिलते रहे। धीरे धीरे वे 8 हो गए, 8 व्यक्तियों का समूह। उन सभी के जिस्मों पर कपड़े भले ही अलग हो, लेकिन दो चीजें कॉमन थी, नकाब और कपड़े के जूते। अब वे लगभग साथ ही साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे, मगर आपस में बोला कोई किसी से नहीं था। उस वक्त वे करीब करीब आधा पहाड़ चढ़ चुके थे और एक विशाल पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, जब अचानक पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, एक कड़क आवाज आई, ठहरो। 8 इस तरह रुके जैसे अचानक पैरों में ब्रेक लग गए। पेड़ पर से कहा गया, एक एक करके नीचे उतरो। 8 अपने आप एक लाइन में
खड़े हो गए। यूं जैसे हरे को मालूम था कि किसको कौन से नंबर पर खड़े होना है। जिस नकाबपोश के साथ हम शुरू से हैं वो लाइन में तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर का नकाबपोश पेड़ के नीचे से गुजरा, पेड़ के ऊपर से पूछा गया नंबर 10। पेड़ के नीचे पहुंचे नकाबपोश ने कहा, कोट? उसने जवाब दिया, मेरी घड़ी बंद है, जा सकते हो। ऐसा सुनते ही वो आगे बढ़ गया। दूसरे नंबर पर खड़ा नकाबपोश पेड़ के नीचे पहुंचा, उसे भी नंबर और कोड पूछा गया, जिसका उसने जवाब दिया और फिर उसे भी कहा गया, जा सकते हो। जब तीसरे नंबर का नकाबपोश पेड़ के नीचे पहुंचा और उससे नंबर पूछा गया तो उसने कहा 40। कोड, छुपा रुस्तम, जा सकते हो। वो भी आगे बढ़ गया। इस तरह पेड़ के नीचे से गुजरने वाले हर नकाबपोश से उसका नंबर और कोड पूछा गया और शायद उसे सही पाने के बाद ही आगे बढ़ने के लिए कहा गया। ऐसा केवल उसी पेड़ के नीचे नहीं हुआ था, दो और पेड़ों के नीचे से उन्हें इसी तरह लाइन लगाने के बाद एक एक करके गुजरना पड़ा। खास बात यह थी कि हर बार उन्होंने अलग क्रम में खड़े होकर लाइन बनाई थी और पूछे जाने पर अपना नंबर भले ही पहले वाला बताया हो लेकिन कोड के जवाब में अलग शब्द बोला था। जैसे जिस नकाबपोश के साथ हम है उसने अगर पहले पेड़ के नीचे अपना कोड छुपा रुस्तम बताया था तो दूसरे पेड़ के नीचे गहरा कहा और तीसरे के नीचे विनाशकारी। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे, वहां जहां चोटी को घेरे 4 पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों पर से पुनः नंबर और कोड पूछे गए। नंबर इस बार भी उन्होंने वही बताए जो बताते आ रहे थे, मगर कोड इस बार भी अलग थे। पेड़ों से घिरी चोटी के ठीक बीच में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चोटी का बहुत बड़ा हिस्सा ज्वालामुखी के मुंह की मानिंद गोलाकार शक्ल में खुला हुआ था। पहाड़ का वो मुंह किसी भी तरह 20 फुट व्यास से कम नहीं था। नीचे से देखकर तो खैर कोई कह ही नहीं सकता था कि पहाड़ की चोटी पर उसका मुंह है, ऊपर से यानी किसी प्लेन आदि से भी उसे नहीं देखा जा सकता था क्योंकि मुंह के चारों तरफ खड़े पेड़ों ने उसे पूरी तरह ढक रखा था। चारों पेड़ों पर बंधी एक एक मोटी और मजबूत रस्सी उस मुंह के अंदर समाई हुई थी। उन सभी को जैसे पहले से मालूम था कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना है। एक एक करके सभी ने रस्सियां पकड़ी और किसी कुशल नट की मानिंद पहाड़ के मुंह में समाते चले गए। अब हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ खोखला था। जमीन पहाड़ के मुंह से करीब 100 फुट नीचे थी और रस्सियां वहीं तक चली गई थी जिन पर से फिसलते हुए वे जमीन पर जा टिके। वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा गोल हॉल था। दीवारों पर लगी अनेक मसाले सुलग रही थी। हॉल में उन्हीं का प्रकाश था। कुछ नकाबपोश उनसे पहले भी वहां पहुंच चुके थे, वहां जहां अल्ताफ और हरविंदर सिंह पहले से ही मौजूद थे। उन दोनों के चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। वहां पहुंचे नकाबपोश उन दोनों के सामने से गुजरते हुए अपने बाएं कंधों को नग्न करके उन्हें दिखाने के बाद ही आगे बढ़ रहे थे। हर एक के कंधे पर एक गोल मोहर गुदी हुई थी। मोहर एक जैसी थी लेकिन बीचों बीच लिखा नंबर अलग था। जिसकी मोहर पर जो नंबर लिखा था उसे उसी नंबर का एक काला लबादा दिया जा रहा था। जिस नकाबपोश के साथ हम यहाँ आए हैं उसके कंधे पर लगी मोहर के बीच 40 लिखा हुआ था, उसे भी उसी नंबर का लबादा पकड़ा दिया गया। वो एक बहुत बड़ा हॉल था, प्राकृतिक हॉल। छत 20 फुट ऊपर, एक मंच के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठे करीब 50 नकाबपोश में से एक ने अपना हाथ ऊपर उठा रखा था। सभी के जिस्मों पर काले चौंगे थे। छाती वाले स्थान पर सफेद रंग से उनके नंबर लिखे थे।
मंच पर मौजूद सिकंदर की नजर हाथ उठाए नकाबपोश पर ठहर गई। उसकी छाती पर 30 लिखा हुआ था। सिकंदर अपनी आंखें उसी पर केंद्रित करता हुआ बोला, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो नंबर 30? जी हाँ, कहने के साथ वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। कहो। अपने चेहरे पर चढ़े नकाब में से झांकती आंखों से उसने उस मंच की तरफ देखा जिसको बीचों बीच सिकंदर खड़ा हुआ था। उसके एक तरफ निखार, रोहित और अल्ताफ थे, दूसरी तरफ हरविंदर सिंह और अवतार। उनमें से किसी के भी चेहरे पर नकाब नहीं था। उनके पीछे मंच की दीवार पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था और बनी हुई थी जंजीरों में जकड़ी माँ भारती। नक्शे के बीच में लिखा था इनकलाब। हाल वो हॉल इतना बड़ा था कि दीवारों में लगी अनेक मसालों के बावजूद वह बहुत ही मध्यम रोशनी थी। उस सभी का अवलोकन करने के बाद नंबर 30 ने कहा, आपने कुछ देर पहले बताया कि अब्दुल गनी और नाजू की हत्या आप 6 के मेकअप में जेम्स एलिस के आदमियों ने की है। इस सब को सुनने के बाद हम लोगों के भ्रम दूर हुए हैं, वरना तो हम सब भी आम जनता की तरह यही सोच रहे थे कि हमारे सरदार ने ये क्या किया। लेकिन समस्या हमारे भ्रम दूर हो जाने से हल नहीं हो जाती सरदार, नंबर 36 ने खड़े होने के साथ कहा। असली समस्या सिवाया की जनता में फैला भ्रम है, जो लोग हमारे मिशन को पवित्र मानते थे, जो जनता हमें फरिश्ते समझती थी, उस सब पर विचार हो चुका है। मंच पर मौजूद निखार ने उसकी बात काटी, बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। रोहित ने बताया, हम सभी जानते हैं कि सिवाया की जनता इस वक्त हमारे बारे में क्या सोच रही है। जाहिर है कि एलिस ने वो सब किया ही हमें बदनाम करने के लिए था, नंबर 25 ने कहा। मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे जनता तक हमारी बात पहुंचे। सिर्फ हमारे कह देने से जनता विश्वास नहीं करेगी, कोशिश तो की ही जानी चाहिए सरदार, नंबर 35 अपने स्थान से खड़ा होकर बोला। इससे अगर ज्यादा भी कुछ नहीं होगा तो जनता कम से कम 2 हिस्सों में तो बटेंगी। कुछ लोग हमें सच्चा मानेंगे, कुछ लोग जेम्स एलिस को। ये स्थिति उससे तो बेहतर ही होगी कि सब लोग हमें ही दोष दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ज्यादातर लोग हमें ही सच्चा मानेंगे, क्योंकि रियासत में हमारी साख उनसे बहुत अच्छी है, नंबर 40 ने कहा। मैं तुमसे सहमत हूँ, सिकंदर बोला। इस दिशा में जो भी हम कर सकते हैं जरूर किया जाना चाहिए, मगर किया क्या जा सकता है, निखार ने कहा। मेरे ख्याल से हमें राजधानी को, बल्कि मुकम्मल रियासत को पोस्टरों से पाट देना चाहिए, नंबर 14 ने कहा। उन पोस्टरों के जरिए तर्कपूर्ण ढंग से लोगों को ये समझाया जाए कि अब्दुल गनी और नाजू की हत्या से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, उनकी हत्या से जेम्स एलिस के फायदे गिनवाए जाने चाहिए और लिखा जाना चाहिए कि अगर हमें महल के अंदर के किसी वासिंदे की हत्या ही करनी होती तो सबसे पहले एलिस की हत्या करते। सिकंदर ने कुछ कहने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि तभी धाए वातावरण एक गोली चलने की आवाज से तहल उठा। गोली सिकंदर के दाएं कान के बेहद नजदीक से गुजरती हुई हिंदुस्तान के नक्शे के ठीक बीच में जाकर लगी। कान के इतने नजदीक से गुजरी थी वो कि सिकंदर ने उसकी तपिश तक साफ महसूस की थी। वहां उस हॉल में और गोली चल जाए, नामुमकिन बात थी ये, मगर ये नामुमकिन बात हुई थी और सबके सामने हुई थी। हॉल में हड़बड़ाहट नहीं बल्कि तहलका सा मच गया। पलक झपकते ही सिकंदर सहित मंच पर मौजूद 5 के हाथों में रिवॉल्वर नजर आने लगे। ऐसा नहीं कि छठे ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश नहीं की थी, कोशिश तो उसने भी की थी, परंतु अपने रिवॉल्वर को हिप पॉकेट से गायब पाया। दिमाग में बड़ी तेजी से ख्याल कौंधा,
रिवॉल्वर कहाँ गया? जवाब दिमाग में से गायब था। दिमाग खपाने का समय भी तो नहीं था। अवतार था वो, अवतार था जिसका रिवॉल्वर गायब था, मगर बगैर जरा भी समय गवाए किया उसने भी वही जो उसके बाकी साथियों ने किया था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रोहित, अल्ताफ, अवतार, निखार और हरविंदर ने झपट कर सिकंदर को चारों तरफ से कवर कर लिया था। अब कोई गोली उस तक नहीं पहुंच सकती थी। लगभग सारे नकाबपोश उछालकर कुर्सियों से खड़े हो गए थे, मगर उनमें से किसी के भी हाथ में हथियार नजर नहीं आया। आता भी कैसे, उन सब के हथियार इस हॉल से बाहर ही रखवा लिए जाते थे। किसने चलाई ये गोली? हरविंदर सिंह अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर से हर एक नकाबपोश को कवर करता सा गुर्राया। नकाबपोश के बीच बुरी तरह खलबली मची हुई थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने साथियों के घेरे से बाहर आता सिकंदर गर्जा, जो जहां है वही खड़ा रहे। तुम हमारे घेरे में रहो सिकंदर, रोहित बोला। नहीं, सिकंदर ने कहा, ऐसा कब से समझ लिया तुमने मुझे कि मैं तुम लोगों की बैग में छुपकर जान बचाने की कोशिश करूंगा? मेरे लिए तुम मेरी जान से ज्यादा कीमती हो दोस्तों। हॉल में सन्नाटा पसर गया। एकाएक वहां छाए सन्नाटे को चीरती आवाज गूंजी, हिंदुस्तानियों के सूरवीरों को नजीर एलिस का सलाम। रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस एकमात्र एहसास से उस हॉल में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए कि ये आवाज नजीर की है। हालांकि नजीर की आवाज को कोई पहचानता नहीं था। हर दिमाग में सवाल कौदा, क्या वो यहां पहुंच गया है? वहां जहां किसी बाहरी शख्स के पहुंचने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। ऐसा कोई रास्ता, कोई तरीका ही तो नहीं है। तुमने बहुत लेटर लिखे हैं सिकंदर, बहुत धमकियां दी है तुमने। वही आवाज एक बार फिर सारे हॉल में गूंजी। तुम्हारे टेप रिकॉर्डर का कमाल भी देख चुका हूं मैं, और वाटसन की जुबान पर रखकर भेजी गई धमकी भी याद है। ये भी सुना है कि तुम्हारी कोई भी धमकी खाली नहीं जाती, जो कहते हो उसे पूरा करते हो। यहां से सरदार, नंबर 8 चिल्लाया। आवाज 3 नंबर कुर्सी के नीचे से आ रही है। अरे वो कुर्सी पर तो है ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नंबर 8 ने, मैं कुर्सी के ऊपर नहीं, कुर्सी के नीचे हूं। और ये रहा अवतार का रिवॉल्वर। इस आवाज के साथ 3 नंबर कुर्सी के नीचे से एक रिवॉल्वर उछलकर कुर्सियों के बीच बनी गैलरी में आ गिरा। सब हैरान, सबसे ज्यादा हैरान अवतार था। गैलरी में पड़े अपने रिवॉल्वर को पहचान जो लिया था उसने। अब सवाल ये कौन था, वो वहां कैसे पहुंचा, नंबर 3 के पास कैसे था वो? जवाब इस बार भी नदारद, और सोचने का ज्यादा समय भी कहां मिला। उससे पहले ही 3 नंबर कुर्सी हवा में उठती चली गई। उसे उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में उठा रखा था जिसके चौंगे पर 3 लिखा हुआ था, जिसने रिवॉल्वर गैलरी में फेंका था। उसका जिस्म उन सबको नजर आया ही था। आसपास के नकाबपोश उस पर झपटने ही वाले थे कि अल्ताफ दहाड़ा, कोई उस पर नहीं झपटेगा, वो मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है। सभी जहां के तहां ठिठक गए। नहीं अल्ताफ, तुम भी गोली नहीं चलाओगे। सिकंदर ने अपने हाथ से अल्ताफ की रिवॉल्वर वाली कलाई को नीचे झुकाते हुए कहा था। पहली बार किसी मर्द से पाला पड़ा है, पहली बार किसी ने सिकंदर को ललकारा है, उसे कहने दो जो कहना चाहता है। नंबर 3 ने वो कुर्सी एक तरफ फेंक दी जिसे अब तक सिर से ऊपर उठाए हुए था, और दोनों हाथ हवा में उठाकर उन्हें खोलकर दिखाता हुआ बोला, देखो मेरे हाथों में कोई हथियार नहीं है। जो था उसे जितना काम लेना था लेकर गैलरी में फेंक चुका हूं। अवतार का रिवॉल्वर है, उस अवतार का जिस बेचारे को ये पता ही नहीं लगा कि मैंने उसे उसकी हिप पॉकेट से
उस वक्त गायब कर लिया था जब इस हॉल के दरवाजे पर वो मेरी तलाशी ले रहा था। अवतार दंग रह गया, सन्नाटा सन्नाटा और सिर्फ सन्नाटा। सन्नाटे के अलावा और कुछ भी तो नहीं था उस हॉल में, जो था दिलों में था, दिमागों में था। दिलों में दहशत, दिमागों में सैकड़ों सैकड़ों सवाल गूंज रहे थे। असंख्य आंखें उसे यूं देख रही थी जैसे मिस्र के पिरामिडों को देख रही। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, क्या यहाँ मरने के लिए तैयार होकर आया है। हैरानी की बात थी कि बगैर जरा भी डरे उसने कुर्सियों के बीच बनी गैलरी के माध्यम से मंच की तरफ बढ़ते हुए कहा, सुना है सिकंदर कि काफी समझदार हो तुम, अगर उतने ही समझदार हो जितने सुने गए हो तो समझ तो जरूर गए होगे कि जो गोली सिर्फ कान को छूती हुई निकली है वो तुम्हारा भेजा भी उड़ा सकती थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ भारती के सुरमा तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इतनी आसान मौत नहीं दे सकता मैं तुम्हें। उस शख्स को इतनी आसान मौत मिल भी कैसे सकती है जिसने बरसों से, मेरे पैदा होने से भी पहले से मेरी रियासत में आतंक मचा रखा है। हर आंख उसी पर स्थिर थी और उसकी आंखें स्थिर थी मंच पर, वहां जहां इस संगठन के छौ सरदार खड़े थे। उन सभी पर आंखें स्थिर किए वो उसी तरफ बढ़ता कहता चला जा रहा था, बहुत करिश्मे किए हैं तुमने, इतने ज्यादा कि लोग तुम्हें आदमी ही करिश्माई कहने लगे हैं। मगर सोचो, बल्कि दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा करिश्मा किया है जैसा इस वक्त मुझे करते देख रहे हो। तू यहां आया कैसे हरामजादे, रोहित दहाड़ा। वो उसी तरह बगैर जरा भी ठिठके मंच की तरफ बढ़ना जारी रखता हुआ बोला, इसे चुप करो मिस्टर सिकंदर, ये बेवजह मेरी बातों में व्यवधान डाल रहा है। इसे कहो कि अभी तो इसे सैकड़ों सवाल है जिनके तुम लोगों को जवाब जानने हैं। इतनी ज्यादा चीख चिल्लाहट करेगा तो कैसे काम चलेगा। भन्नाए हुए रोहित ने एक बार फिर मुंह खोला ही था कि नजदीक खड़े सिकंदर ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिलहाल खामोश रहो रोहित, जरा जांचने दो कि वो किस बेस पर ये नाटक कर रहा है। रोहित ने भी फिलहाल खुद पर काबू रखना ही बेहतर समझा। तो पूछ मैं ये रहा था कि क्या तुमने खुद को कभी वो ऐसा करिश्मा करते देखा है जैसा इस वक्त मुझे करते देख रहे हो। लगातार मंच की तरफ बढ़ रहे नंबर 3 ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरा दावा है कि तुमने ऐसा करिश्मा कभी नहीं किया। ज्यादातर तुम लोगों को लेटर्स के जरिए चैलेंज देते रहे हो, हालांकि मैं उन्हें चैलेंज नहीं, तुम्हारे द्वारा लोगों को धमकाना कह सकता हूँ। कभी टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया है तुमने, कभी बीवी बच्चों को मार डालने की धमकी देकर वाटसन जैसे लोगों का। कम से कम मेरी निगाह में वे सब तुम्हारी कायराना हरकतें थी, क्योंकि तुम खुद चैलेंज देने के लिए कभी सामने नहीं आए, हमेशा किसी की आड़ में छुपे रहे। लेकिन मुझे देखो, मैंने चैलेंज देने के लिए खुद सामने आया हूँ और तुम्हारे मुकम्मल संगठन के सामने आकर खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ सिकंदर खान कि तुम्हारे दिन अब पूरे हो चुके हैं। तुम्हारे इस हेडक्वार्टर से बाहर अब मैं तभी निकलूंगा जब तुम्हारी लाश बिछा चुका हूंगा। बोलो कैसी रही, एकाएक सिकंदर ने कहा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। नंबर 3 हंसा जैसे उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो। बोला, जानता हूं कि तुम क्या कहोगे। कहोगे तुम वो जो कुछ देर पहले भी कह चुके हो, वही जो नकाबों में छुपे अपने इन चमचों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये कि मेरे नाना और माँ को तुमने नहीं मारा, मेरी माँ के साथ रेप करने की कोशिश तुम पांचों ने नहीं की, बल्कि मेरे अब्बाजान की साजिश थी कि इन 6 व्यक्तियों को तुम 6 का रूप दिया गया था। हाँ, हकीकत यही है
हकीकत यह है सिकंदर खान कि ये प्रचार करने के अलावा अब तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता ही नहीं है। वो मंच के बेहद करीब पहुंच चुका था, मगर ये रास्ता तुम्हें अचानक नहीं मिल गया। घटना के बाद नहीं सोचा तुमने, बल्कि तुम्हें अच्छी तरह पहले ही पता था कि किस स्पॉट पर क्या करना और कहना है। पूरा प्लान बनाकर चले थे तुम, ऐसा प्लान जिसके बारे में बाकियों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे इन खासम खास पांच दोस्तों को भी नहीं पता था। तभी तो उस वक्त निखार ये सोच सोच कर हलकान खोई जा रही थी कि सिवाया की जनता को जब तुम्हारे उस कुकृत्य के बारे में पता लगेगा तो क्या होगा। मगर तुम जरा भी फिक्रमंद नहीं थे। तुमने कहा था कि वक्त आने पर तुम जनता के ही नहीं नजीर के उस नजीर के सामने भी ये साबित कर दोगी कि वो सब तुमने नहीं किया था जिसकी आंखों के सामने किया जाने वाला है। उस वक्त न निखार की समझ में आ पाया था न मेरी कि इस चमत्कार को तुम कैसे करके दिखाओगे, मगर अब आ चुका है। तुमने उसी वक्त सोच लिया था कि आने वाले वक्त में उस कुकृत्य को मेरे अब्बाजान के इशारे पर उनके आदमियों द्वारा किया गया बताओगे। वही कर रहे हो और वही तो हो रहा है जो तुमने सोचा था। तुम्हारे इन पयादों ने तुम्हारे कहते ही इस बात पर यकीन कर लिया कि वो सब तुमने नहीं किया था। और मैं जानता हूं कि ज्यादातर जनता भी तुरंत तुम्हें ही सही मान बैठेगी। तुम्हें उसी वक्त मालूम था कि तुम्हारी साख के कारण भविष्य में यही होने वाला है। यकीनन बेहतरीन प्लान था तुम्हारा अगर तुम्हारे बीच होने वाली पर्सनल बातें न सुननी होती तो। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मैं भी चक्कर में आ जाता, मगर अब नहीं सिकंदर खान, अब नहीं, अब चक्कर में आने वाला नहीं हूं मैं। भले ही तुम दुनिया के हर शख्स को बरगला दो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या खेल खेल रहे हो और तुम्हारे खात्मे के लिए हकीकत को सिर्फ मेरा ही जान लेना काफी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, सिकंदर उलझ कर आ गया था। हमारी कौन सी पर्सनल बातें सुन ली तुमने, मेरे कौन से प्लान की बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उन बातों को। सीढ़ियां चढ़कर वो मंच पर पहुंच चुका था। मतलब की बात यह है कि मैं तुम्हें यहां खत्म करने आया हूं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। मेरा फैसला यह है कि तुम्हें एक एक करके अपने साथियों को मरता देखने के बाद मरोगे। क्या मतलब? ये कहने के साथ वो किसी को भी कुछ समझने का मौका दिए बगैर अपने सबसे नजदीक खड़े रोहित पर झपटा था। थाए, थाए, थाए। एक साथ कई रिवॉल्वर गर्जी। रोहित कहीं नहीं, अल्फाज, अल्ताफ, निखार, हरविंदर सिंह और खुद सिकंदर के रिवॉल्वर से निकली गोली भी नंबर 3 के जिस्म में धस गई थी। बावजूद इसके उसे कोई अपना मिशन पूरा करने से नहीं रोक सका। प्रथम क्षणों में तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी थी कि वो क्या कारस्तानी कर गया। सब केवल इतना ही देख सके थे कि रोहित पर झपटते हुए नंबर 3 का जिस्म पलक झपकते ही गोलियों से छलनी हो गया था। वो चीखा और लहूलुहान होकर धड़ से मंच पर गिरा। हारने का उसी पर थी। चौंके तो वे तब जब रोहित के मुंह से निकलने वाली बहुत ही अजीब सी चीखें सुनी। सैकड़ों आंखें एक ही झटके में उसकी तरफ घूम गई थी। बुरी तरह तड़प रहा था वो। रिवॉल्वर कभी का हाथ से फिसलकर मंच पर गिर चुका था। उसके अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर थे और वो यूं फड़फड़ा रहा था जैसे किसी अज्ञात ताकत को अपना गला दबाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो, परंतु कामयाब न हो पा रहा हो। सारे मंच पर चकराता फिर रहा था, खुद को बड़ी मुश्किल से गिरने से बचा पा रहा था। कि क्या हुआ, क्या हुआ रोहित? मंच पर मौजूद लगभग सभी के मुंह से ये लफ्ज निकले थे। वो सिकंदर ही था जिसने सबसे पहले झपट कर उसे संभाला। यदि उस क्षण उसने उसे संभाल लिया होता तो अब तक रोहित मंच पर गिर चुका होता। सिकंदर की बाहों में
वो यूं मचल रहा था जैसे उस नाक का बाकी जिस मचल रहा हो, जिसका फन किसी की मुट्ठी में था। क्या हुआ रोहित? सिकंदर पगला सा गया था। तुम बोलते क्यों नहीं कि क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा नहीं कि रोहित ने बोलने की कोशिश नहीं की, कुछ बताना नहीं चाहा, मुंह फाड़ फाड़ कर ऐसा करने की बहुत कोशिश की उसने, मगर इसका क्या किया जाए कि उसे चीखों के अलावा और कुछ निकल ही नहीं सका। और उनके अलावा जब कुछ निकला तो वे झाग थे, नीले झाग, वे जिन्हें देखते ही सिकंदर दहाड़ उठा। ये सब क्या है रोहित, क्या है ये सब? तुम्हारे मुंह से झाग क्यों? सेंटेंस अधूरा रह गया। उससे पहले ही रोहित का जिस्म पूरी तरह से ढीला पड़कर बाहों में झूल गया था। अब कोई तड़फन, कोई छटपटाहट नहीं थी उसके जिस्म में। रोहित, रोहित! बाहों को जोर जोर झटकता वो बस यहीं चिल्लाता रह गया। रोहित दुनिया में हो तो बोले भी, वो तो अपने सारे साथियों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। बहुत देर तक वहां ऐसा सन्नाटा छाया रहा जैसे शमशान में किसी को दफनाते वक्त होता है। जेहन साय साय कर रहे थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उन सबकी आंखों के सामने, पूरे संगठन के देखते ही देखते, उनके 6 सरदारों में से एक को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। करना तो दूर, अभी तक तो किसी की समझ में यही नहीं आया था कि हुआ तो हुआ क्या है, हो कैसे गया, कैसे मर गया रोहित। ये सुई, सिकंदर ने रोहित की गर्दन में गड़ी एक सुई को निकालते हुए कहा, इस सुई से मारा है इसने रोहित को, जरूर ये सहर, जरूर ये सुई जहर में बुझी होगी। अवतार के मुंह से शब्द निकले, हराम ज्यादा कुत्ता, दांत फींच कर कहने के साथ अल्ताप ने बहुत जोर जोर से 2 ठोकरे नंबर 3 की लाश में मारी थी। हरविंदर सिंह बड़बड़ाने के से अंदाज में बोला, गोलियों से छलनी होते वक्त ये इस सुई को रोहित की गर्दन में काट रहा था, मगर कर क्यों रहा था ये ऐसा? निखार की आवाज, क्या इसे मालूम नहीं था कि जब ये हम सब के बीच, हम सब के सामने ऐसा करेगा तो हम इसे गोलियों से भून देंगे? मालूम क्यों नहीं होगा, पागल तो नहीं लगता था ये? मेरे ख्याल से तो साला पागल ही था। पागल नहीं होता तो अपनी जान की कीमत पर रोहित को क्यों मार जाता? यकीनन इसे पहले से मालूम था कि जब ये ऐसा करेगा तो हम इसे गोलियों से भून देंगे, लेकिन जिस ढंग से इसने ये सब किया है उससे तो ऐसा लगता है कि अपने मरने की इसे परवाह ही नहीं थी। चाहता बस ये था कि मरने से पहले रोहित को मार जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अवतार बोला, इसने तो कहा था कि ये यहाँ सिकंदर का खात्मा करने आया है और उसका खात्मा उसे हम सब की मौत का मंजर दिखाने के बाद करेगा। दिखा तो दी, हमें से एक की मौत उसने दिखा तो दी सिकंदर की आंखों को। मरा पड़ा तो है हम सब के बीच रोहित, लेकिन खुद भी तो मरा पड़ा है, हरविंदर सिंह ने बुरी तरह हैरान स्वर में कहा था। अब कैसे किसी और को मारेगा? जाने क्या हुआ सिकंदर को, अचानक जाने क्या हुआ कि वो झपट कर नंबर 3 की लाश के नजदीक आया और एक ही झटके में उसके चेहरे से नकाब नोच लिया। अरे, बुरी तरह चौंकते हुए अवतार के मुंह से निकला, ये तो नजीर नहीं है, सिकंदर से तो इसकी शक्ल जरा भी नहीं, ये तो सचमुच नंबर 3 ही है। अवतार की बात काटती हुई ये आवाज निखार के मुंह से निकली, मैं इसे पहचानती हूं, मैं भी, अल्ताफ बोला, इसका नाम नरेंद्र सिंह है, मगर इसने क्यों किया ये सब? और ये खुद को नजीर क्यों बता रहा था? किसी पर जवाब हो तो दे भी। सस्पेंस और गहरा गया था। मंच पर मौजूद 5 व्यक्तियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उलझन पूर्ण नजरों से
आंखों में सवालिया निशान लिए हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन बस देख ही रहे थे, उससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं कर पा रहे थे। और उधर मंच से नीचे मौजूद नकाबपोशों की हालत तो जैसे उनसे भी बुरी थी। जी तो सबका यही चाह रहा था कि दौड़कर मंच पर चढ़ जाए, कम से कम एक बार उस शख्स की लाश को देखी तो सही जिसने इस अजीमुसान कारनामे को अंजाम दिया था। किसी को यह तक नहीं सोच रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। सिकंदर ने एक बार फिर पलटकर जब कथित नरेंद्र सिंह की लाश की तरफ देखा तो इस बार उसकी नजर चौंगे की जेब से झांकते एक कागज के कोने पर पड़ी। जिस अंदाज में वो नजर आ रहा था उसे देखकर सिकंदर दावे के साथ कह सकता था कि उसे इस तरह जानबूझकर रखा ही इसलिए गया है ताकि देखने वाले की नजर उस पर पड़ जाए। झपटने के से अंदाज में उसने कागज जेब से निकाला। सभी उसे देख रहे थे, उसे जो बेसब्रेपन के साथ कागज की तह खोल रहा था। सभी अनुमान लगा चुके थे कि उस कागज में मरने वालों की तरफ से कोई संदेश होगा। क्या संदेश है? इस सवाल ने सभी के दिल धड़ धड़ करके बजाने शुरू कर दिए थे। कुछ वैसी ही हालत में सिकंदर ने कागज सीधा किया, पढ़ा तो फिर पढ़ता ही चला गया। देखने वालों ने देखा, पढ़ते ही पढ़ते उसका चेहरा सुर्ख होता चला गया था, शरीर यूं कांपने लगा था जैसे वो अपने गुस्से पर काबू न पा रहा हो। कागज को पूरा पढ़ने के बाद जब उसने मंच पर खड़े अपने बाकी साथियों की तरफ देखा तो उन्होंने सिकंदर की आंखों में वो सुर्खी देखी जो इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज तक नहीं देखी थी। मंच से दूर नकाबपोशों ने उसकी आंखें तो नहीं देखी थी, लेकिन जो भी देखा था उसे ये समझ गए कि मारे गुस्से के उनके सरदार का हाल बुरा हो गया है। सभी के दिमागों में ये सवाल कौन था कि कागज में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर सरदार की हालत इतनी ज्यादा गुस्से में हो गई। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हरविंदर ने तो सारी सीमाएं तोड़कर कागज उसके हाथ से छीन ही लिया। चाहते तो सभी ये करना थे, लेकिन वे किसी तरह खुद को रोक रहे थे। इधर हरविंदर ने कागज अपनी आंखों के सामने फैलाया, उधर निखार, अवतार और अल्ताफ भी उसके अगल बगल पहुंच गए। सबकी निगाहें कागज पर थी। तभी नकाबपोशों के बीच खड़े नंबर 40 ने एक तरह से सभी के दिल की बात कही, सरदार कागज को ऊंची आवाज में पढ़ने की कृपा करें ताकि हम भी सुन सके कि क्या लिखा है। निखार, अल्ताफ, अवतार और हरविंदर ने सिकंदर की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो कि ऐसा किया जाए या नहीं। सिकंदर ने आंख के हल्के से इशारे से स्वीकृति दी। तब अवतार ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, कहो सिकंदर खान, कैसी रही, क्या समझ रहा है तू, क्या ये कि मैं मर गया? नहीं आजादी के दीवाने, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता जैसा कि वादा कर चुका हूं। अब मैं तुझे मारने के बाद ही हेडक्वार्टर से बाहर कदम रखूंगा, लेकिन उससे पहले ठीक उसी तरह तेरे एक एक साथी की लाश दिखानी है जिस तरह रोहित की लाश तू देख रहा है। देख रहा है ना? हाँ मैं देख रहा हूं कि तू देख रहा है। मैं यही हूं इसी हॉल में, और उस वक्त अपनी आंखों से तेरे चेहरे पर उड़ती हवाया देख रहा हूं जब तू मेरा ये लेटर पढ़ रहा है। देख मेरा करिश्मा और बता कि तूने ऐसा चमत्कार कब किया है कि तू दुश्मन से सिर्फ 100 गज के दायरे में खड़ा हो और दुश्मन तुझ तक ना पहुंच पाए। तूने तो बस एक ही बात सीखी थी, दूर ही दूर से लोगों को डराना धमकाना। हिम्मत है तो मुझ तक पहुंच कर दिखा, पर तू क्या पहुंचेगा? तेरी तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तेरी उस समझ में जिस समझ के तेरे चमचे डंके पीटते फिरते हैं, जिसे तू मैं समझ रहा था, नजीर समझ रहा था, वो तेरा अपना ही प्यादा है, तेरा एक इनकलाबी नाम नरेंद्र सिंह।
फिर इसने खुद को नजीर एलिस क्यों बताया? कि वो भाषा बोला जो मेरे मुंह से निकलनी चाहिए थी? क्यों रोहित को मार डाला इसने, और वो भी अपनी जान की कीमत पर? नहीं सिकंदर खान, नहीं, इसके बीवी बच्चे मेरे कब्जे में नहीं है, इस बेचारे का कोई भी सगा संबंधी मेरे कब्जे में नहीं है। ऐसी ओछे हथकंडे तो तू ही इस्तेमाल करता था, वैसे भी तू जानता है तेरा कोई भी इनकलाबी ऐसे हथकंडों से किसी की उंगलियों पर नहीं नाच सकता। ऐसी तरकीब इस्तेमाल की मैंने कि एक ही झटके में तेरे दो आदमी मारे, एक तेरा खास दोस्त और एक प्यादा। मेरे लिए प्यादों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी साले आज़ादी के दीवाने हैं, और आज़ादी के एक भी दीवाने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत भर है, एक के साथ एक मारा गया है, सब मारे जाने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ है, ये खोखला पहाड़ सभी की कब्रगाह बनने वाला है। मेरा वादा है, एक भी जिंदा यहाँ से नहीं निकल सकेगा। नरेंद्र जैसे करिश्मों की भरमार होने वाली है। सवाल फिर वही है, नरेंद्र ने ऐसा क्यों किया? 7 जन्म भी दिमाग घुमाता रहेगा तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरी राय है, खोपड़ी को कष्ट देना बंद कर और अपने इनकलाबियों के बीच से मुझे ढूंढ निकालने की कोशिश कर, क्योंकि अगर तू वक्त रहते इस काम में कामयाब नहीं हुआ तो ये बात पक्की समझ, बहुत जल्द मेरे तांडव का अगला स्टेप देखेगा। देख देख, तेरा चेहरा भट्टी हुआ जा रहा है, कुछ तो शर्म कर। ये सोचकर काबू पा खुद पर कि यही मौजूद मैं तेरी इस हालत को अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मन ही मन ठहाके लगा रहा हूँ। तुम सबकी जान का ख्वाहिशमंद, नजीर एलिस। खत को ऊंची आवाज में पढ़ने के बाद अल्ताफ ने जब चेहरा ऊपर उठाया तो खुद उसके चेहरे पर भी वैसे ही भाव थे जैसे मंच पर मौजूद अपने साथियों के चेहरे पर देख रहा था। नकाब पोसी जाने, क्योंकि उनके चेहरे पर मौजूद भाव को तो कोई देख ही नहीं सकता था। अभी तक तो केवल 6 सरदारों की ही जान खतरे में समझी जा रही थी, लेकिन इस लेटर ने बताया था कि नजीर यहां उन सभी को मौत की नींद सुलाने आया है। वहां मौजूद ज्यादातर के दिमाग में दो ही भाव थे, दहशत और गुस्सा। लंबी खामोशी के बाद नंबर 40 ने उसी का इजहार कुछ इस तरह किया। मेरे ख्याल से नजीर एलिस ने डिंगी कुछ ज्यादा ही लंबी मार दी है सरदार, हम अगर जरा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो उसे ढूंढ सकते हैं, और अगर एक बार वो मिल जाए तो क्या कहना चाहते हो? हरविंदर ने पूछा। भले ही हम एक दूसरे के चेहरे से परिचित ना हो, लेकिन आप तो परिचित हैं, आपके पास तो हम सभी का रिकॉर्ड है, हम सब के नकाब उतरवा कर देखे जाए, एक एक को चेक किया जाए, ऐसे भला वो हम सब के बीच खुद को कैसे छुपाए रख सकता है? ठीक कहते हो, अवतार बोला, यही किया जाना चाहिए। एक भी इनकलाबी इस हॉल से बाहर नहीं जाएगा, सिकंदर ने निर्णायक लहजे में कहा, और किसी तरह की अव्यवस्था भी नहीं फैलनी चाहिए, सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। सभी ने उसके आदेश का पालन किया। हरविंदर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, नंबर 12 कक्ष के दरवाजे पर खड़े अवतार ने उस नकाबपोश को कक्ष के अंदर भेजा जिसके चौंगे पर 12 लिखा था। 6 सरदारों का वो निजी कक्ष था, हॉल से अटैच्ड, हॉल से बस एक दरवाजा दूर, यानी उस दरवाजे को पार करके हॉल से कक्ष में पहुंचा जा सकता था। सभी नकाबपोश दरवाजे पर हॉल की तरफ लाइन लगाए खड़े थे। अवतार का काम था जो नंबर अंदर से पुकारा जाए उसे कक्ष के अंदर भेज देना। 12 नंबर ने अंदर पहुंचकर देखा
बाकी के चार सरदार एक लंबी मेज के पीछे पंक्ति बनाए खड़े थे। इधर उसने अंदर कदम रखा, उधर उन चारों की सख्त नजरों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। घूरने के लिए उनके पास उसकी आंखों के अलावा और कुछ नहीं था। यहां खड़े हो जाओ, सिकंदर ने उस इमेज की इस तरफ अपने ठीक सामने खड़े होने का हुक्म दिया था। उसने वैसा ही किया। अगला हुक्म, नकाब उतारो, उसने वैसा भी कर दिया। करीब 20 साल के उस लड़के के सांवले चेहरे पर अपनी सख्त नजरें गड़ाए सिकंदर ने कठोर स्वर में पूछा, नाम? राकेश वालिया, सिकंदर ने बगल में खड़ी निखार से कहा। देखो, निखार के सामने मेज पर एक फाइल खोली पड़ी थी। उसमें अनेक फार्म लगे हुए थे। जो फार्म इस वक्त उसके सामने था, उसके एक कोने में सामने खड़े लड़के का फोटो लगा हुआ था। फोटो के नीचे उसका नाम लिखा था, वही जो उसने बताया था, और उसी के सामने ब्रैकेट में लिखा था 12। निखार ने एक ही लफ्ज कहा, दुरुस्त। पिता का नाम? सिकंदर की नजरें राकेश पर केंद्रित थी। उसने जवाब दिया, रमेश वालिया। दुरुस्त, निखार की आवाज। सिकंदर का अगला सवाल, जन्मतिथि? राकेश वालिया ने बताई। निखार ने पुनः दुरुस्त कहा, और इस तरह वो सिकंदर के सवालों के जवाब देता रहा। निखार उन जवाबों का मिलान फाइल में मौजूद उस फॉर्म से करती रही जो राकेश वालिया से भर्ती के समय भरवाया गया था। सभी कुछ दुरुस्त पाया गया तो उसे फार्म पर ठीक वहां साइन कराए गए, जहां पहले ही से उसके साइन मौजूद थे। पहले ही से लगे अंगूठे के निशान के नीचे अंगूठे का निशान लिया गया और बारीकी से बल्कि आतिशी शीशे की मदद से उनका मिलान किया अल्ताफ ने। जब उसने साइन और अंगूठे का निशान ठीक वहीं पाए जो फॉर्म पर पहले से मौजूद थे, तो मेज पर रखे एक कटोरे में भरे तरल पदार्थ की तरफ इशारा करता हुआ बोला, इससे अपना चेहरा धो। ये क्या है सरदार? उसने अल्ताफ से पूछा था सख्त लहजा। क्या तुम चेहरा धोने से इनकार कर रहे हो? नहीं सरदार, ओसामा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सवाल मत करो, चेहरा धो। मैंने तो सिर्फ उत्सुकतावश पूछ लिया था सरदार, कहने के साथ उसने दोनों हाथों से कटोरा उठाया। आंखें बंद रखना, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, राकेश ने बगैर कुछ कहे एक हाथ में कटोरा पकड़ा और उससे दूसरे हाथ की खोज में तरल पदार्थ ले लेकर ठीक इस तरह अपने चेहरे पर छपके मारने शुरू किए जैसे पानी से चेहरा धोता था। चेहरा धोने के बाद उसने कटोरा वापस मेज पर रखा ही था कि अल्ताफ उसकी तरफ एक टावल बढ़ाता हुआ बोला, इससे अच्छी तरह चेहरे को पोंछ लो। राकेश ने वैसा ही किया। उस सब के बाद उसके चेहरे को बहुत गौर से देखते अल्ताफ ने जब दुरुस्त शब्द कहा तो सिकंदर बोला, ये ऐसा केमिकल है जो तुम्हारे चेहरे पर मौजूद दुनिया के किसी भी मेकअप को धो डालता। किसी भी किस्म का फेस मास्क इसे धोखा नहीं दे सकता। जी, राकेश ने केवल इतना ही कहा। जिस वक्त सिकंदर ये कह रहा था कि ये बात तुम्हारी उत्सुकता शांत करने के लिए बताई गई है, उस वक्त अल्ताफ ने मेज के उस तरफ अपने नजदीक रखी बाल्टी से कटोरे में पुनः उतना ही तरल पदार्थ भरकर मेज पर वहीं रख दिया जहां पहले रखा था। ये अगले इनकलाबी का चेहरा धुलवाने की तैयारी थी। ये तुम्हारा रिवॉल्वर है? पंक्ति के अंत में खड़े हरविंदर सिंह ने एक रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिए कहा, इसे जेब में रख लो, नकाब पहन लो और उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। जी, एक बार फिर उसने इतना ही कहने के बाद दोनों आदेशों का पालन किया और कक्ष के उस दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसके बारे में उसने नहीं मालूम था कि वो कहां खुलेगा।
दरवाजे की तरफ अभी वो बढ़ा ही था कि सिकंदर ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, रिवॉल्वर तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि अपने पीछे छुपे दुश्मन से निपट सको। यहां तो कोशिश की ही जा रही है, अगर वो इस कोशिश में नहीं पकड़ा गया तो तुम्हें अपने हर साथी पर नजर रखनी है, दुश्मन को पहचानना है। जिस पर जरा भी शक हो उसकी खबर हमें से किसी को देनी है और इतना मौका ना हो तो अपने हाथों से शूट कर देना है। ओके जी, अब तुम जा सकते हो। उधर उस दरवाजे से बाहर निकला। इधर हरविंदर सिंह ने पहले की तरह ऊंची आवाज में कहा, नंबर 13। इस तरह इस प्रक्रिया से गुजरता हुआ जब नंबर 22 जो कि वास्तव में नीलम नाम की एक लड़की थी दुरुस्त पाई गई और सिकंदर ने उस वही अंतिम शब्द कहे जो हर एक से कह रहा था तो बोली, गुस्ताखी माफ हो सके तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ सरदार। बोलो। आपके सारे परीक्षणों से गुजर चुकी हूँ मैं, अब तो आपको किसी तरह का शक नहीं है कि मैं नीलम नहीं हूँ। पांचों ने उसे गौर से देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, नहीं, अब मैं संगठन के हित में एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। हम लोगों को चेक करने से पहले आपको अपने आप को चेक करना चाहिए, उसने एक झटके से ये बात कह दी। इसमें शक नहीं कि उसकी इस अनोखी बात पर पांचों चौंक पड़े थे। ऐसे चौंके कि कुछ देर तक तो ऐसे अंदाज में उसकी तरफ देखते रहे जैसे दिमाग शून्य हो गए हो। फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी इस प्रतिक्रिया पर नीलम बोली, अगर मैंने अपने अधिकार से ज्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत कह दिया हो तो सरदार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, एकाएक सिकंदर ने कहा, गलत तो कुछ नहीं कहा लेकिन हां अपने अधिकार से ज्यादा जरूर बोली हो तू। क्षमा करे सरदार, ये बात बस मैंने ये सोचकर कही थी कि संगठन के हित के बारे में सोचने का सबको बराबर अधिकार है और वैसे भी ये बात हॉल में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कौन सी बात? लगभग सभी इनकलाबियों का मानना है कि हम लोगों से पहले आप लोगों को खुद को चेक करना चाहिए। कौन कह रहा है ऐसा? अल्ताफ के हलक से गुर्राहट निकली। नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। बुरी तरह हड़बड़ाकर उसने तुरंत कहा, सॉरी सरदार, सॉरी। और ऐसा कहने के बाद वो फौरन ही उनके सामने से पलटकर तेज कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। सिकंदर ने कहा, ठहरो। जहां की तहां जाम हो गई। सिकंदर ने अगला हुक्म दिया, हमारी तरफ घूमो। उसने आदेश का पालन किया, किया तो जरूर लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर मौत जैसे कथक कर रही थी, सारा शरीर कांप रहा था। सॉरी ये शब्द भी वो बड़ी मुश्किल से कह पाई। जवाब नहीं दिया तुमने, कौन कह रहा है ऐसा? सरदार डरो नहीं, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। किसी एक इनकलाबी का नंबर नहीं बताया जा सकता, नीलम ने मानो अपनी मुकम्मल ताकत लगाने के बाद कहा। हॉल में ये एक आम चर्चा है, सभी एक दूसरे से ऐसा कह रहे हैं। यहाँ हमारे पास आकर तो किसी ने नहीं कहा, खौफ के कारण नहीं कह पाए होंगे सरदार। अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने ही ये बेवकूफ़ी क्यों की। नहीं, तुमने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, इतनी मत डरो नीलम, अपने दिल की बात कहने का हक हर इनकलाबी को है। सिकंदर एकाएक भन्नाए हुए अल्ताफ ने कहा, इतनी भी बकवास नहीं सुननी चाहिए हमें इन लोगों की। प्लीज अल्ताफ तुम एक मिनट शांत रहो। अल्ताफ को जिसे नीलम के सामने सिकंदर का खुद से इस लहजे में बात करना अच्छा नहीं लगा,
कुछ और भन्ना गया हो और भन्नाए हुए उसी लहजे में बोला, क्यों शांत रहूं? क्या संगठन में मुझे तुम्हारे बराबर तक हक हासिल नहीं है? अरे, सिकंदर के मुंह से हैरत में डूबा स्वर निकला, इतने भड़क क्यों रहे हो तुम? मेरे बराबर क्या, तुम तो मुझसे भी ज्यादा हक है। बहरहाल, हम सभी ने मिलकर ये संगठन खड़ा किया है, तो फिर तुम मुझे शांत रहने के लिए कहने वाले कौन होते हो? सिकंदर ने एक नजर निखार और अवतार की तरफ देखा, वे भी अल्ताफ के व्यवहार पर उलझे हुए से नजर आ रहे थे। फिर वापस अल्ताफ की तरफ पलट कर बोला, तुम शायद कुछ गलत समझे, मैंने इस सेंस में शांत रहने के लिए नहीं कहा था, किसी भी सेंस में कहा, लेकिन हम में से किसी को भी किसी इनकलाबी के सामने एक दूसरे से ऐसा कहने का हक नहीं है। अल्ताफ ने ये बात भी उत्तेजित अवस्था में ही कही थी, बावजूद इसके सिकंदर कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप अल्ताफ की तरफ देखता रह गया। नीलम ने वहां छाई खामोशी का लाभ उठाते हुए धीमे स्वर में पूछा, मैं जाऊं सरदार? नहीं, सिकंदर ने अल्ताफ से पहले कहा, अभी रुको। इस बार अल्ताफ ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु उसका चेहरा बता रहा था कि सिकंदर का नीलम का रोकना उसे अच्छा नहीं लगा है। कुछ देर खामोशी रही, फिर खुद को सामान्य करने की कोशिश करते सिकंदर ने नीलम से पूछा, हाल में चल रही चर्चा की कोई खास वजह है? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वही चक रही थी, जो पूछा जा रहा है वो बताओ। दो वजह है सरदार। क्या क्या? पहली, इनकलाबियों का मानना है कि पहाड़ के अंदर आते जाते प्रत्येक इनकलाबी को इतनी चेकिंग से गुजरना होता है कि उनमें से किसी के रूप में किसी और का यहाँ तक आना लगभग नामुमकिन है, जबकि आप लोगों को ऐसी किसी चेकिंग की जरूरत नहीं होती। और दूसरी वजह यह है कि आप ही के बताए मुताबिक वे आप छओ के मेकअप में दो बड़े और ऐसे कांडों को अंजाम दे चुके हैं, जिनकी वजह से संगठन की साख को धक्का लगा है। ऐसी अवस्था में ये नहीं माना जा सकता कि वे आप लोगों के मेकअप कर ही नहीं सकते। इन दो वजहों से संभावना ये बनती है कि, उसकी बात काट कर सिकंदर ने कहा, तुम जा सकती हो। वो घूमी और इतनी तेजी के साथ कक्ष से बाहर निकल गई, जैसे किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा हो। चली तो जरूर गई थी वो, लेकिन कक्ष में सन्नाटा छोड़ गई थी, तनावपूर्ण सन्नाटा, ऐसा कि उसके निकलने के बाद हरविंदर 23 नंबर को आवाज तक लगाना भूल गया था। उस सन्नाटे को भी अंततः सिकंदर ने ही तोड़ा, और ये कहकर तोड़ा, गलत तो नहीं कह गई थी वो बकवास कर गई है। मौका लगते ही अल्ताफ यूं फट पड़ा, जैसे बस सिकंदर के बोलने का ही इंतजार कर रहा था। क्यों, तुम्हें बकवास क्यों लगी उसकी बात? मैं फिर कहता हूं सिकंदर, इस बार अल्ताफ ने चेतावनी सी दी, हमें इन लोगों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। कितनी छूट? कि हमारे सामने खड़ा होकर चाहे जो कहा जाए, लेकिन चाहे जो नहीं कहा गई है। इस बार सिकंदर ने अपनी बात पर जोर दिया, शांत दिमाग से सोचोगे तो पाओगे कि जो दो वजह उसने बताई है उनमें दम है। उनकी वजह से अगर इनकलाबियों में वैसी चर्चा हो रही है तो न केवल स्वाभाविक है बल्कि तर्कसंगत भी है। यकीनन अगर हम छओ में से कोई बाहर से यहाँ आए तो कोई चेकिंग नहीं की जाती, और ये भी सच है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है हमारे ही मेकअपों में किया है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नज़ीर हम ही में से किसी के मेकअप में यहाँ? इस बार तो अल्ताफ दहाड़ी उठा, मुझे लगता है कि लड़की तुम्हारा दिमाग खराब कर गई है। अरे, सिकंदर हैरान, इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? भला हमें से कोई नजीर कैसे हो सकता है? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता? तुम कुछ नहीं पूछ रहे? वो और ज्यादा भड़का,
बस तुम्हें आदत पड़ गई है खुद को हम सब से सुपीरियर दिखाने की, और अब तो तुम ये भी नहीं देखते कि किसके सामने क्या कह रहे हो। मैं उस लड़की को यहाँ नहीं रोकना चाहता था, मगर तुमने उसे रोका, ये जानते बूझते उससे बात की कि मुझे वो सब पसंद नहीं आ रहा है। अपनी इन्हीं हरकतों से तुम इनकलाबियों के सामने हम लोगों को खुद से छोटा दर्शाने की कोशिश करते हो। सिकंदर को लगा नीलम की मौजूदगी में हुई बातों को वो ज़्यादा ही महसूस कर गया है, सो बोला, एक बार फिर कहता हूँ अल्ताफ, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बावजूद इसके अगर तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें नीलम के सामने खुद से छोटा दिखाने की कोशिश की थी तो उसके लिए सॉरी। इस बार अल्ताफ के चेहरे पर तनाव कुछ कम होता नजर आया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, ओके, लेकिन नीलम की बात को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता, सिकंदर ने कहा, मेरे ख्याल से हमें खुद को चेक, फिर वही बात। एक बार फिर अल्ताफ ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, तुम एक ही जगह क्यों अटक कर आ गए हो, और तुम क्यों नहीं चाहते कि हम पांचों एक दूसरे को चेक करें। इस बार सिकंदर ने उसे घूरा था, अरे ये भी कोई बात हुई, एक लड़की, एक अदनी सी लड़की तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल गई, और तुम हो कि सिर्फ बात नहीं डाल गई है। इस बार सिकंदर उसकी बात काट कर का उठा, बल्कि तर्कपूर्ण बात कर गई है, ऐसी तर्कपूर्ण बात जिसे तुम भी काट नहीं पाए हो। क्या नहीं काट पाया हूं मैं, इस बात का जवाब कहां दिया तुमने कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नजीर हम ही पांचों में से किसी के मेकअप में यहां आ गया हो। इस बात का तर्कपूर्ण जवाब देने की जगह तुम चीखने चिल्लाने लगे हो, कहना क्या चाहते हो तुम, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम हमेशा तर्कों के बेस पर आगे बढ़े हैं। या तो तुम बताओ कि वो हम में से किसी के मेकअप में क्यों नहीं हो सकता, या अल्ताफ गुर्राया, इस बात में तो मुझे भी वजन लगता है कि नजीर के लिए यहाँ किसी इनकलाबी के मेकअप में आने से आसान हमारे मेकअप में आना है, निखार ने कहा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बगैर चेकिंग के सिर्फ हम ही लोग बाहर से यहां आते हैं। तुम्हारे बारे में क्या कहूं, तुम्हें तो हमेशा ही सिकंदर की बात सही लगती है, मन ही मन आज तक इससे मुहब्बत जो करती हो। प्लीज अल्ताफ, निखार ने कहा, अपनी हदें पार मत करो, हमें आपस में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतने विवाद की क्या जरूरत है। इस बार अल्ताफ के कुछ भी कहने से पहले हरविंदर बोला, सीधी सी बात है, अगर हमारे इनकलाबियों में एक बात फैली है वो चाहे सही फैली है या गलत, लेकिन हमारा फर्ज है कि उनका भ्रम दूर किया जाए, और भ्रम दूर करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि हम भी उन सब को इस केमिकल से अपने चेहरे धोकर दिखा दें। इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सारे इनकलाबियों का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि कहीं हम छओ में से ही तो कोई नजीर के मेकअप में तो नहीं है, इसीलिए अब हम सब को भी, हम छओ को भी अपने चेहरे को धोना होगा, और दूध का दूध पानी का पानी करके सबको दिखाना होगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या नजीर एलिस इन्हीं छह लोगों में से किसी एक के अंदर है, किसी एक के मेकअप में नजीर एलिस छुपा हुआ है? अगर नहीं तो आखिर किस तरह से नजीर ने रोहित को मार डाला, आखिर इन इनकलाबियों के बीच में वो कहाँ छिपा हुआ है, और कैसे उसने एक इनकलाबी को खुद को मौत के घाट उतरते हुए भी रोहित को मारने पर मजबूर कर दिया, आखिर कैसे किया नजीर एलिस ने ऐसा? अगर आप लोगों के पास इसका कोई जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग गेस कीजिएगा कि नजीर एलिस ने ऐसा करिश्मा आखिर कैसे कर दिखाया। हमारा आज का सवाल भी यही है, आप लोग गेस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नजीर एलिस आखिर इन इनकलाबियों के बीच में कहां छुपा हुआ है, और उसने कैसे खुद को इनके बीच रखते हुए भी
रोहित को मौत के घाट उतार दिया था। दिमाग लगाइए, सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए। तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 10वीं एपिसोड स्टोरी विद अरुण पर। अभी आप लोग जिस नॉवेल का वाचन सुन रहे थे उस नॉवेल का नाम था काला अंग्रेज की कहानी बागी फिरंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी मन की बात, अपनी सलाह, सुझाव, अपना ओपिनियन और फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि इसी नॉवेल की आगे की कथानक इसके 11वां एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे, जिसे लेकर आऊंगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए, अपने से छोटे को माया ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्य वाणी के साथ आज की श्रृंखला से मैं आप सभी का प्रिय आरजी दोस्त अरुण गिरी भी विदा चाहता हूँ। आदरणीय श्रोता, हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।